कल 3 घंटे चली बातचीत पर रूस के भरोसे का यकीन इस वजह से भी करना मुश्किल है क्योंकि रूस परमाणु हमले की धमकी भी कई बार दे चुका है। इस धमकी के बाद अमेरिका और नेटो अलर्ट पर है। कहते हैं पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से बार बार पुतिन की तरफ से परमाणु युद्ध की बात कही जा रही है वो भी सच साबित होने वाली है। अभी तक आपने यूक्रेन में रूस से बरसती मिसाइलें देखी हैं। आपने ये भी देखा कि रूस ने कैसे यूक्रेन में अपनी विनाशकारी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। आपने यूक्रेन में तबाही मचाते रूसी टैंक भी देखे हैं। रूस पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप भी बाइडेन लगा चुके हैं। आपने ये भी देखा कि अमेरिका से लेकर नाटो देश और यूरोपीय देशों ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है और बाइडेन को तो आपने रूस के पड़ोसी देशों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए भी देखा है। तो क्या अब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है? ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूस की तरफ से फिर आई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पोस्कोव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो रूस एटमी वॉर से परहेज नहीं करेगा। तो सुना आपने, रूस ने किस तरह से दुनिया के सामने फिर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। हम आपको बता दें कि युद्ध के 34 दिन हो चुके हैं और रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है क्योंकि यूक्रेन की सेना अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद से रूस का मुकाबला कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश और ब्रिटेन यूक्रेन को रोजाना 17 विमानों में भरकर हथियार भेज रहे हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक कमांडरों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। मारियुपोल से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत की आज तक।